भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको पता ही होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैक्सिमम सिंगर एक्टर थे स्टार्टिंग से ही, सभी जानते हैं ये ट्रेंड मनोज तिवारी जी से शुरू, उसके पहले एक्टर ही थे। तो जब सिंगर एक्टर बने तो सिंगरों ने संगीत को तो बढ़ाया। आज के टाइम में आप जान रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में म्यूजिक कितने ऊपर लेवल पे है, बट हमारा सिनेमा काफ़ी डाउन हो चुका है। रीजन ये है कि कभी एक्टर्स उस लेवल पे आए नहीं, क्योंकि एक्टर ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हैं, अच्छा एक्टिंग की बारीकियां समझते हैं, उन्हें पता है कि हमें कैसे कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहिए। तो जब एक्टर थे नहीं तो सिंगर्स आए, तो एक फिल्म में गाने 20 होते थे, कहानी 0 होती थी। तो ऑडियंस तो आए, बट धीरे 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 वो जो लव करते थे भोजपुरी को, जो प्यार करते थे, वो भी धीरे धीरे इरिटेट होने लगे। उन्हें लगा कि यार हम तो फिल्म देखने आए थे, हमें यहाँ भी गाना दिख रहा है, हमें यहाँ भी एल्बम दिख रही है, तो धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। बट अब क्या है कि जो यूट्यूब्स का दौर आया है, चैनल्स स्टेबल हो रहे हैं, डिजिटली इतना ग्रो कर गया है सब कुछ, तो लोग धीरे धीरे अब वो सिनेमा को YouTube के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से, OTT का प्लेटफॉर्म कोरोना के बाद जब से तेजी पकड़ा है, और लोग समझ गए कि बड़े बड़े स्टार जब OTT पे डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम क्यों ना। तो हमारे भोजपुरी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर राजीव झा का और हमारे डायरेक्टर सर KD सर का, कि इन्होंने ये नया चीज़ सोचा कि हम क्यों ना सॉन्ग्स के जगह शॉर्ट फिल्म, मिनी फिल्म या फिल्म ही, एक जो लिमिटेड पीरियड की होती है टाइम्स की, वो हम बना कर रिप्रेजेंट करें। तो मेरे पास आया तो चूंकि मैं बता दूं कि मैं एक्टर ही हूं, मैं सिंगर नहीं हूं, और मुझे एक्टिंग ही, मेरा मेरा आत्मा जो है ना वो सिर्फ एक्टिंग है। मैं प्यार करता हूं अपने कला कला से। तो मैं बता दूं कि मुझे ये थोड़ा डिफरेंट जॉनर्स की फिल्में पसंद है। बेसिकली मैं बता दूं कि जो जितने भी डिफरेंट जॉनर होते हैं आपके, थ्रिलर जॉनर, सस्पेंस जॉनर, इस टाइप की फिल्में मुझे पसंद है। मैं इवन कि मेरी जो लॉन्चिंग फिल्म थी भोजपुरी में वो थी शिकारी। वो फर्स्ट मतलब आप समझिए कि वो डिफरेंट ही फिल्म है, मतलब काफ़ी डिफरेंट, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वैसी फिल्म थी। तो जब मेरे पास कॉन्सेप्ट KD जी सर लेकर आए कि एक फिल्म है, तो मैंने, इन्होंने बोला मुझे कि पहले हॉरर फिल्म है, तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं कॉन्सेप्ट। जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे लगा सिर्फ हॉरर ही नहीं है, हॉरर के साथ बहुत सारा थ्रिल है, रोमांस है, और साथ ही साथ सस्पेंस है। वो सस्पेंस ऐसा है जो आप फिल्म जब देखेंगे ना, तो मैं आपको ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप फिल्म बैठेंगे तो जब तक फिल्म एंड नहीं होगी आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि फिल्म इतनी आपको बांध के रखती है। तो ड्यूरेशन कम है फिल्म का, उतना नहीं है कि आप जबरदस्ती की स्क्रिप्ट टान रहे हैं, अब फिल्म की कहानी 2 ही मिनट की हम घींच कर उसको 2 घंटे ले जा रहे हैं, लोग बोर हो रहे हैं, तो वो नहीं है। जितने की संभावना है उतना ही टाइम ड्यूरेशन रखा गया, जिस चीज को जितने देर में प्रेजेंट करना है उतने देर में ही प्रेजेंट किया गया। और यही रीजन है कि फिल्म इतनी कसी हुई बनी है, आप टीजर देख रहे हैं, टीजर 4-4 5-5 मिनट का है नहीं, छोटा सा है, तभी तो आप रिपीट करके देख रहे हैं, क्योंकि एक बार में आपका मन नहीं भरा है। तो यही फिल्म के भी साथ होगा कि जब फिल्म आप पूरी कंप्लीट करोगे तो आपको मन में आएगा आपके एक बार और देखते हैं। तो यही रिपीट जो वैल्यूएशन होती है ना जिस चीज की, जिस कॉन्सेप्ट की, यही हमारा सक्सेस है कि लोग रिपीट। मुकेश एक सवाल है आपसे, हमारा जो फिल्म का नाम है हवेली, पूरा भूत तो पूरा फोटो तो पूरा लगा हुआ है, क्या कहानी है तो बताइए। कहानी तो नहीं बताऊंगा, कहानी तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा बट कुछ बता मैं ये थोड़ा सा आपको दे देता हूँ, स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट मैं ये बता देता हूँ कि फिल्म जो है कॉन्सेप्ट एक हवेली के इर्द गिर्द ही है, और जितनी भी घटनाएं घटती है फिल्म के अंदर वो हवेली से रिलेटेड है। तो एक लव स्टोरी है, लव स्टोरी के बीच में जो वो डिफरेंसेस जब आते हैं ना, हॉरर का तड़का लगता है, तो एक जो होते हैं ना, जब आप अपने किसी करीबी से, अपने गर्लफ्रेंड हो या अपनी वाइफ हो, जब आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे अपने बच्चे ही क्यों ना हो, तो आप नहीं चाहेंगे उनको थोड़ी सी भी तकलीफ हो, और वो तकलीफ आप नहीं दे रहे, किसी और कारण से हो, तो उस तकलीफ से आप उन्हें कैसे बाहर निकाले, ये जो मशक्कत है ना, ये इस फिल्म में अच्छी तरह दिखाया। प्रोड्यूसर सर, आपसे सवाल रहेगा, हवेली की हीरोइन को कहाँ छोड़ा है? मैं एक बात बता दूं आपको कि प्रोड्यूसर सर हमारे आने वाले थे, बट कोइंसिडेंट ये हुआ कि हमारे प्रोड्यूसर सर प्रेजेंट नहीं हो पाए, और हमारी फिल्म की जो एक्ट्रेस थी मुस्कान, जिसने कमाल का काम किया है, अगर इस फिल्म को, अगर फिल्म आप देखेंगे और इंगेज रहेंगे, तो इसमें अगर किसी का योगदान है तो सबसे ज़्यादा मुस्कान जी का है, जो आज प्रेजेंट नहीं पाए बिकॉज ऑफ कि दिवाली के दिन पटाखे से कुछ इश्यू हो गए थे उनको, तो वो आ नहीं पाए, इंजूरी हो गई थी। डायरेक्टर साहब, केडी जी आपका पहले हम स्वागत करना चाहेंगे, हमने देखा पूरी कॉन्सेप्ट आपने सजाया है, और बहुत चीज़ें ऐसी फिल्म में छोड़ दिया है आपने कि हम दर्शक ही चाहें तो उसको पूरा करेंगे। कितना मजा आया मुकेश जी के साथ काम करके, और क्या कुछ चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि अजय को कैसे सीन कराना है, कैसे एक्शन कराना है, कैसे डायलॉग बोलवाना है, क्या क्या चैलेंजिंग आपने फेस किया? तो जितने दर्शकों को देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम,
और मुकेश जी के साथ काम एक बार ने बहुत सारा मैंने किया, पहले पिछले भी किया, बहुत सारा किया है। और मुकेश जी के साथ काम करके हमको अच्छा लगता है, और ज़्यादा समझाने नहीं पड़ता, सीन को ऐसे करना वैसे करना, बस एक को डायलॉग दिया जाता है वो अपने अंदर डाल लेते हैं, और नहीं बोलिए वो अपने अंदर डाल लेते हैं, डायलॉग सही बोल लेते हैं, एक्टिंग भी अच्छे करते हैं, पर ज़्यादा समझाने बोलने को लेते नहीं पड़ता हमको, मुकेश जी बहुत अच्छा एक्टर है। ये सवाल है आपसे कि कभी आप साउथ जल्लू अर्जुन बन जाते हैं, फिर हवेली का डायरेक्टर बन जाते हैं, मतलब कि इतना संभव कैसे हो पाता है आपसे? बस मेहनत के सब हो जाएगा। बुलेट गिफ्ट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे हेमा एंटरटेनमेंट के ऑनलाइन राजीव सर को? हम उनके लिए कुछ बोल ही नहीं सकते, शब्द नहीं बोलने का, क्योंकि पता नहीं था कि इतनी बड़ी हमें गिफ्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा हम खुश हैं। जनरली कोई एकदम सरप्राइज शॉकिंग एकदम, मैं हमको कुछ बोल नहीं सकता, मैं सर को कॉल करने वाला, लेकिन बैठे हुए तो हम कॉल नहीं कर सकते यहाँ। मैं यहाँ एक बात ऐड करूँगा कि जनरली जो भोजपुरी फिल्मों का दौर है, इस दौर में अभी का जो दौर चल रहा है, आप जानते होंगे ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि 90%, मैं 100 तो नहीं कहूँगा, बिकॉज 90% फिल्में जो बन रही थी थिएटर्स के लिए, उसमें ऐसा रेयर ही होता था कि कोई प्रोड्यूसर खुश होकर अपने डायरेक्टर को कुछ गिफ्ट करे। इवन कि फिल्म एंड होते होते वो माथा ही पकड़ता था कि यार जल्द किसी तरह फिल्म मेरी रिलीज हो जाए, पैसे बचे कहाँ। बट आज के टाइम में अगर ये डिजिटल दौर में कोई प्रोड्यूसर अपने डायरेक्टर को ये गिफ्ट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक नया एरा शुरू हो रहा है हम एक्टरों के लिए, कि हम एक्टर अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि वहाँ तो वही दिखने वाला है, ये अच्छी बात है। हमको बधाई है, सवाल है कि बिहार हो चाहे यूपी हो, तमाम थिएटर्स, बहुत ऐसे थिएटर्स हैं जो कि लगभग फिल्में नहीं चल रही है, भोजपुरी की फिल्में आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेवार सबसे पहले तो वो प्रोड्यूसर्स थे सबसे पहले जिन्होंने सिंगर्स पे अपने दाव लगाने शुरू किए। ये तो गड्ढा जो होते हैं ना, ये खुद के उसी समय खोदना शुरू हो गए थे, वो दो दिन की चांदनी थी, लॉन्ग टाइम्स तो वो था ही नहीं। क्योंकि जब हम सिंगर को अपना फायदा समझकर ले आए, तो ये पता होना चाहिए कि वो सिंगर्स हैं, उनको एक्टिंग से लेना देना है नहीं, ना इनको स्क्रिप्ट से लेना था। और जब वो सिंगर को स्टारडम मिला ना, तो वो सिंगर्स को ये लगने लगा कि अरे यार अब तो हम स्टार हैं, हम ही जो करेंगे वो करें। तो वो क्या किए, म्यूजिक डायरेक्टर को डायरेक्टर बनाने लगे, लिरिक्स राइटर को कहानी राइटर बनाने लगे, सब अपने इर्द गिर्द जो म्यूजिक से रिलेटेड थे उनको फिल्म में लाने लगे। जबकि फिल्म काफ़ी क्रिएटिव चीज होती है, यहाँ जो राइटर्स तो खैनी बनाए और कहानी लिखने लगे, जो कल गाना लिखते थे वो तो होता नहीं है, ये क्रिएटिव वर्ल्ड है। अगर मैं किसी राइटर से पूछ दूं कि एक सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर में कितने स्टार का फर्क होता है, तो वो नहीं बता पाएंगे। अब वो चले हैं फिल्म के राइटर, फिल्म के राइटर्स काफ़ी टेक्निकली स्ट्रांग होते, काफ़ी एजुकेटेड होते, इतने रोड छाप नहीं होते। तो वो लोग जब आए तो वो लोग तो मटकियाँ मेट करेंगे, जो चार प्रोड्यूसर पकड़े BMW खरीद ली। अब जो नए प्रोड्यूसर आते थे तो देखते थे कि अरे ये तो BMW खरीद के आया, मतलब ये तो कोई बड़ा डायरेक्टर होगा, उनका बैकग्राउंड नहीं पता कि वो खैनी बनाते बनाते BMW खरीद लिए, ठीक ना। तो ये कारण था फिल्में खत्म होने के लिए, तो वहां से खत्म होने लगा। सिंगर्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री पे ध्यान देना शुरू कर दिया, म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो करने लगी और फिल्म इंडस्ट्री डाउनफॉल पे चली गई पूरी तरह, क्योंकि एक्टर्स को कभी मौका नहीं दिया। स्टोरी रूपेश जी आपसे सवाल रहेगा, हवेली को क्या क्या सोच के आपने फिल्माया, क्या क्या चीजें रखी है, क्या क्या मुकेश, क्या स्पेसिफिक जो स्टोरी आपने लिखा मुकेश जी को ध्यान में रख के रखा कि वही इस पूरी सीन को अच्छे तरीके से फिल्मा सकेंगे, अच्छे तरह से डायलॉग कर पाएंगे, या फिर कुछ और सोचा था बाद में मुकेश जी के ऊपर आप चले गए, और जब वो आउटपुट आया है तो शानदार नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को मेरा दिल से प्रणाम। और रहा बात की इस मूवी को लेके, तो मुझे खुद नहीं आइडिया था कि ये मूवी मेरी सेलेक्ट होगी। मैंने ऐसे ही मजाक में मैंने कुछ लिखना चालू किया, और जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नेकदिल इंसान है, क्योंकि मैं ऐसे ही बैठा था तो उन्होंने फ़ोन किया कि हम लोग एक मूवी बनाते हैं। वैसे मूवी 5-7 मूवी बना हुआ है, ये किसी को नहीं पता है। और बैठे थे हम लोग तो बातें चल रहा था, उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया, हम लोग बैठे थे उनसे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ अलग बनाते हैं हम लोग भोजपुरी में। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने बैठ के ऐसे नॉर्मली उस चीज़ को लिया कि काफ़ी सारी मूवी मैंने देखा क्या क्या मूवी बनता है, फिर मुझे ऐसा लगा कुछ स्पेशल बनाते हैं क्योंकि भोजपुरी में ऐसा मूवी नहीं बनता। तब जाके मैंने ये बनाया। मुझे ये नहीं पता था कि राजीव ये सर काम करने वाले हैं या कौन क्या, कुछ मुझे नहीं पता था। मुझे कितना पता था, मुझे स्टोरी है कितना, मैंने स्टोरी लिखा और सर को दिया। सृष्टि जी आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह से भोजपुरी गानों का दौर चल रहा है, फिल्म में मौका मिला आपको, इतना बेहतरीन आवाज़ जो है तो हम सब सुनते हैं, मोहब्बत देती है दर्शक, फिल्मों में सब आप आई तो क्या कुछ सबसे पहले तो हमारे जितने मीडिया लोग हैं सबको नमस्कार प्रणाम, हमारे जितने श्रोता समाजी सबको नमस्कार प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि
जब मैं गाना गाने गई थी तो सर ने मेरे को बोले कि मूवी का गाना है, तो वाकई में हम लोग को इस गाने को बहुत टाइम दिए थे, बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी खुशी हुई कि चलिए मूवी में गाना मेरा रिलीजिक हुआ। इससे पहले तो मैं कई मूवी कितने भी मूवी का गाना गाई हूँ लेकिन रिलीज अभी हुआ नहीं है, बट पहला जो मूवी है मेरा मूवी में मेरा गाना रिलीज हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। और इस खुशी का जो है योगदान गौरव सर है जो मेरे को मौका दिए, और सबसे पहले तो हेमा एंटरटेनमेंट से ये मूवी हवेली मूवी रिलीज हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि इतना सपोर्ट करते हैं और मेरा पहला गाना जो मूवी में रिलीज हो रहा है। बिल्कुल पहले तो जो सिंगर हैं वो सिंगर है तो अभी उपस्थित नहीं है, वो आ रहे हैं रास्ते में, जो कि मैं अपना लाइन ही गुनगुना देती हूँ। आगे धीरे धीरे राजा जी प्यार करी कमरिया टूट जाई, आगे धीरे धीरे राजा जी प्यार करी कमरिया टूट जाई, राजा हो कमरिया टूट जाई। बहुत प्यारा गाना लगा मेरे को और वाकई में बहुत टाइम दिए इस गाने को, बहुत अच्छा लगा। सवाल आपसे होगा, एक तरफ अगर एल्बम के गानों की म्यूजिक देखे, दूसरी तरफ अगर फिल्मों के गाने की म्यूजिक देखे तो दोनों में काफी समानता होती है, एक तरफ से बहुत रिजनेबल होता है, दूसरी तरफ आपको फिल्म के हिसाब से म्यूजिक देना रहता है, पूरी गाने उस तरह से रहती है, कितना सस्पेंस छोड़ दें या फिर कितना लोग ऊपर सबसे पहले जितने भी दर्शक है उनको सादर प्रणाम। मेरे पास जब गाना आया तो मतलब क्या बताऊँ, इतना बढ़िया गाना था कि मुझे ही मालूम नहीं चला कि कैसे मैं ऐसा म्यूजिक जो है मुझे खुद ही बाद में बढ़िया लगने लगा जब मैं बजाया, तो लगभग हमको लगता है कि रात भर म्यूजिक बजाने में समय लग गया था और मुझे भी लग रहा था काफ़ी डिफिकल्ट है कैसे ये अब मूवी का गाना है। वैसे भी पहले बहुत सारे मूवी का मैंने गाना बजाया है लेकिन ये जो है ये थोड़ा अलग ही था, या फिर रिलीजिंग की तो बात कहिए तो सही में फर्स्ट बार ही मेरा मूवी में गाना रिलीज हुआ और बहुत ही प्यारा गाना है, अच्छा गाना है जो राजीव भैया भेजे थे हेमा एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक, बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग भी सुनिए एकदम मज़ा आ जाएगा। मैं बस अपने जितने भोजपुरी दर्शक हैं, जितने भी यूपी बिहार झारखंड जितने भी जो लोग भोजपुरी को पसंद करते हैं, भोजपुरी फिल्में देखना चाहते हैं और ये होप रखते हैं कि भोजपुरी में कुछ अच्छा हो डिफरेंट हो, मैं उनसे बस यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस फिल्म को प्यार दीजिए और मेरे जैसे एक्टर को जो चाहता है कि खुद को प्रूव करूं कुछ ऐसा एक्टिंग करूं तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, मेरी फिल्में चलेगी तो जाहिर सी बात है मुझे आगे भी और फिल्में मिलेंगी और मैं अपने आप को प्रूव करूँगा। मैं सच बताता हूँ कि अगर मुझे सही से मौका मिला ना तो एक्टिंग क्या होता है ये मैं अपने इंडस्ट्री को दिखा दूंगा, ये मेरा वादा है आप सबसे।